अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता के रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भी नाम फर्जीवाड़े में आने के बाद भर्ती पर सवाल गहरा गए। अब सवालों में घिरी इस भर्ती की उच्च स्तरीय जाँच को लेकर कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। 1.5 साल तक अटकी रहने के बाद हाई कोर्ट ने भर्ती का दरवाजा खोला ही था कि उस पर गलत सवालों की साकल चढ़ गई। इसी बीच प्रयागराज पुलिस ने परीक्षाओं में सेटिंग और पर्चा आउट करवाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया। इसमें जिन लोगों को पैसे देकर पास होने के आरोप में पकड़ा गया था उसमें लिखित परीक्षा में 150 में से 141 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी भी शामिल रहा। भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही कई अभ्यर्थियों की डिटेल सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। इन अभ्यर्थियों की एकेडमिक परीक्षाओं में परफॉर्मेंस काफी खराब थी, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में उनके नंबर काफी अच्छे थे। कुछ ऐसे भी सफल अभ्यर्थियों के नाम वायरल हुए जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी और एक ही परिवार से जुड़े हुए थे। अब इस पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नौजवानों की आवाज अखिलेश यादव ने कहा कि हजारों नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए सरकार अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सरकार के संरक्षण के बिना पेपर आउट से लेकर उसे सॉल्व करवाकर 10-10 लाख रुपए में बिक्री जैसे कांड इस सरकार में हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये गड़बड़ियां पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। यूपी के युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है। सरकार इन गड़बड़ियों से जुड़े सारे तथ्य सामने लाए ताकि युवाओं की मेहनत बेकार न हो जाए। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल कर एक व्यवस्था विकसित की है और इसी आधार पर 4,000 फर्जी शिक्षकों पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है। कस्तूरबा विद्यालय प्रकरण पर भी उन्होंने पारदर्शिता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में भर्ती आयोग भ्रष्टाचार आयोग में बदल गए थे वो अब सवाल उठा रहे हैं। जिनके कार्यकाल में भर्ती आयोग के अध्यक्ष बर्खास्त हुए हों वे कभी युवाओं का भला देख ही नहीं पाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, जो दोषी होगा वो सजा भुगतेगा। तो ये कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के उपसचिव अनिल कुमार का कहना है कि काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं होता है। आवेदन में किसी भी गलती के लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच जिला समिति करेगी और भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तमाम मार्कशीट्स वायरल हो रही हैं, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम और उनकी जातीय श्रेणी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में विपक्ष के तमाम नेता भी शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी सरकार पर ही सवाल दाग दिए। उन्होंने ऐसी ही मार्कशीट ट्वीट करते हुए कहा है कि 50% समस्याओं की जड़ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। लुटेरों की संपत्ति जब्त करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। तो 69,000 की शिक्षक भर्ती अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। रोजाना इस पर नए खुलासे हो रहे हैं और तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं।